swayam prabha digital india educated india namaskar आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपने श्रृंखला में आज हम श्री अरविंद के बारे में बात करेंगे जिन्हें महर्षि अरविंद के नाम से भी जाना जाता है महर्षि अरविंद एक ऐसे शख्सियत थे जो अपने जीवन के एक काल में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। लेकिन जब उन्हें आध्यात्मिक चेतना मिली जब उनके भीतर एक आध्यात्मिक प्रकाश पुंज पैदा हुआ तो फिर उन्होंने पुडुचेरी में रहते हुए देश समाज संस्कृति और धर्म से संबंधित विविध विषयों पर बातचीत की लेखन किया और उसके माध्यम से उन्होंने देश के युवाओं को देश की राजनीति को एक दिशा देने की कोशिश की इनके विचारों में हम विविध प्रकार के राजनीतिक आयाम भी पा सकते हैं राष्ट्र को कैसे देखा जाए धर्म को कैसे देखा जाए देश की उसमें क्या भूमिका है शिक्षा कैसी होनी चाहिए लोकतंत्र के बारे में हम बेहतर तरीके से कैसे सोच सकते हैं जाति के प्रश्न को हम कैसे देख सकते हैं इन सभी मसलों पर श्री अरविंद ने लेखन किया और हम आज यह प्रयास करेंगे कि हम इनके जीवन के बारे में इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके कृतित्व के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे पाए सबसे पहले मैं आपको आज की चर्चा की रूपरेखा के बारे में बताऊंगा। हम इनकी जीवन परिचय से शुरुआत करेंगे फिर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में आपको एक परिचय देंगे इसके बाद आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर उनके विचार आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर उनके विचार निष्क्रिय प्रतिरोध पर उनके विचारों की हम बातचीत करेंगे और इससे आगे बढ़ते हुए हम आर्थिक पुनर्निर्माण जाति व्यवस्था शिक्षा लोकतंत्र समाजवाद और राज्य जैसे विषयों पर उनके विचारों का परीक्षण करेंगे और अंत में हम विश्व संगठन की स्थापना के बारे में श्री अरविंद के विचारों को देखते हुए इनके विचारों का कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे अगर हम श्री अरविंद के जीवन पर ध्यान दें तो इनका जीवन आरंभ में एक ऐसे युवा के रूप में था जो कि एक जिसके माता पिता उसको बड़ा अफसर बनाना चाहते थे काफ़ी हद तक अंग्रेजी भाषा में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई अरविंद घोष या श्री अरविंद एक योगी एवं दार्शनिक थे वे 15 अगस्त अठारह को कोलकाता में जो कि अभी कोलकाता है उस समय कलकत्ता था वहाँ वो जन्मे थे इनके पिता एक डॉक्टर थे इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया बाद में महर्षि अरविंद के रूप में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पुडुचेरी में एक आश्रम स्थापित किया इन्होंने वेद उपनिषद ग्रंथों आदि पर टीका लिखी योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है इनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं यह कवि भी थे और गुरु भी अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णन घोष उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे इसलिए मात्र सात वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया उन्होंने केवल अठारह वर्ष की आयु में ही आई की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी उन्होंने अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच ग्रीक एवं इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की थी देशभक्ति से प्रेरित अरविंद ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे उन्होंने इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया बड़ौदा में ये प्राध्यापक वाइस प्रिंसिपल निजी सचिव आदि कार्य योग्यतापूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान देशभक्त बनाया अठारह से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने का काम भी किया तो अलग अलग तरह के कार्य जो बड़ौदा रियासत में थे उन्होंने तकरीबन नौ वर्षों की अवधि में किया हजारों युवकों को उन्होंने क्रांति की दीक्षा दी क्रांति की दीक्षा से यहाँ तात्पर्य था कि देश की दुरावस्था बुरी स्थिति के बारे में उन लोगों को परिचित कराना उन्हें देश के लिए काम करने हेतु तो प्रेरित करना और निश्चित रूप से उस प्रेरणा में यह बात भी शामिल थी कि वो अपने आप को कैसे इस योग्य बना सकते हैं कि मातृभूमि की या देश की सेवा कर पाएं। राजस्व विभाग में काम करते हुए उन्होंने एक आर्थिक विकास योजना बनाई उसका कार्यान्वयन करने करके बड़ौदा राज्य देशी रियासतों में अन्यतम बन गया लॉर्ड कर्जन के बंग भंग की योजना रखने पर सारा देश तिलमिला उठा था बंग भंग का मतलब है बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव जो कि 1905 में रखा गया था और यह विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था और अगर आप ध्यान देंगे तो उस समय बंगाल एक ज़्यादा बड़ा राज्य था बिहार भी उसका हिस्सा हुआ करता था लेकिन सांस्कृतिक रूप से भाषाई स्तर पर बिहार उससे अलग था उड़ीसा भी उसका भाग था तो उड़ीसा और बिहार उस समय अलग नहीं हुए बिहार कुछ एक वर्ष बाद या दो वर्ष बाद अलग हुआ और बिहार और उड़ीसा एक राज्य बने फिर उड़ीसा से बिहार अलग हुआ बाद में लेकिन जो ये पूरा विभाजन था जो आज का बांग्लादेश है और आज का पश्चिम बंगाल है उसके आधार पर किया गया था तो जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे उन्हें एक अलग राज्य बनाने की कोशिश की गई तो ये जो धार्मिक आधार पर विभाजन था उसका तीखा विरोध लोगों ने किया और बंगाल में इसके विरोध के लिए जब उग्र आंदोलन हुआ तो अरविंद घोष ने सक्रियता रूप सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा मात्र पचहत्तर रुपये मासिक पर उन्होंने वहाँ अध्यापन कार्य किया पैसे की जरूरत होने के बावजूद उन्होंने कठिनाई का मार्ग चुना उन्नीस में वॉयसराय लॉर्ड कर्जन ने जब बंग विभाजन किया और जब इस तरह का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बड़ौदा से कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया और 1906 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्होंने वंदे मातरम साप्ताहिक के सहसंपादक के रूप में कार्य आरंभ किया इसके माध्यम से उन्होंने सरकार के अन्याय के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई सरकार की आलोचना की वंदे मातरम में ब्रिटिश के खिलाफ लिखने की वजह से उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया लेकिन वो छूट गए क्योंकि कई तरह के जो मामले थे वो लेखन से संबंधित हैं इसलिए मामले बहुत आगे नहीं बढ़ पाए बंगाल के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वंदे मातरम में विदेशी सामानों का बहिष्कार करने और आक्रामक कार्रवाई करने का आह्वान किया गया उनके प्रभावकारी लेखन और भाषण ने उनको स्वदेशी स्वराज और भारत के लोगों के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार के संदेश फैलाने में मदद की जनता को जागृत करने के लिए अरविंद ने उत्तेजक भाषण भी दिए उन्होंने अपने भाषणों तथा तो वंदे मात्र में प्रकाशित लेखों द्वारा अंग्रेज सरकार की दमन नीति की कड़ी निंदा की अरविंद का नाम उन्नीस के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा 1908 सौ में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुना दी जब सजा के लिए उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया तो जेल में अरविंद का जीवन बदल गया महर्षि अरविंद पहले एक क्रांतिकारी नेता थे लेकिन बाद में वे वे आध्यात्म की ओर मुड़ गए जेल की कोठरी में ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान और तप में लगाने लगे वे गीता पढ़ा करते थे और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे ऐसा कहा जाता है कि अरविंद जब अलीपुर जेल में थे तब उन्हें साधना के दौरान भगवान कृष्ण के दर्शन हुए इस दिव्य अनुभूति के बाद कृष्ण की प्रेरणा से वे क्रांतिकारी आंदोलन छोड़कर योग और आध्यात्म में रम गए घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्रंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की थी उन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद को सारे अभियोगों से मुक्त घोषित करा दिया इससे संबंधित अदालती फैसले छह मई उन्नीस को जनता के सामने आए जेल से बाहर आकर अरविंद ने किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया और वे गुप्त रूप से 1910 में पाण्डिचेरी चले गए और वहीं पर उन्होंने श्री अरविंद आश्रम और विले की स्थापना की थी जेल से छूटकर अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी और बांग्ला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया यहाँ आप यह भी याद रखेंगे कि जो पाण्डिचेरी जो आज के दौर में पुडुचेरी है उस समय वह फ्रेंच कब्जे में था तो एक तरीके से वो उस इलाके में चले गए जहाँ पर अंग्रेजों का कोई शासन नहीं था अब जो लोग आध्यात्मिक अनुभूति में विश्वास करते हैं वह इस पूरी घटना को इसी रूप में देखेंगे कई लोग इसकी व्याख्या इस रूप में भी करते रहे हैं या कर सकते हैं कि शायद उन्हें गर्मपंथी राजनीति के माध्यम से मिलने वाली एक जो सजा थी या कठिन कार्रवाई थी उससे उनका एक मोह भंग हुआ और उन्हें लगा कि यह रास्ता उतना सार्थक नहीं है और उन्होंने दूसरे तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की हम यहाँ पर किसी प्रकार का एक मूल्यगत निर्णय नहीं दे रहे हैं लेकिन यह बात जरूर है कि आ, जो ये घटना घटी जब उन्हें जेल में डाला गया तो उसके बाद से उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने आ, जो देश की आज़ादी का आंदोलन था जो गर्मपंथियों का आंदोलन था उससे अपने आप को पीछे किया और वो आध्यात्मिक जीवन में लग गए और वो पांडिचेरी चले गए तो ये एक तथ्य है जिसे हमें महर्षि अरविंद के बारे में याद रखने की जरूरत है उन्होंने सन 1912 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया था भा फ्रेंच भारत पौंडिचेरी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी है में 1950 में 5 दिसंबर को उनका निधन हो गया इस दौरान जब वो पौंडिचेरी में रहें उन्होंने योग साधना किया प्रचुर मात्रा में लेखन किया बहुत सारे दार्शनिक विषयों पर उन्होंने विचार किया और उनका लेखन इतना ज़्यादा प्रचुर है कि सारी पुस्तकों की यहाँ पर सूची नहीं दी जा सकती है श्री अरविंद के दर्शन को भी वेदांत के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है अरविंद घोष की वृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन कविता नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं एसेज ऑन गीता और कोष्टक में जो स्लाइड आपके सामने है उसमें उसका प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है यह उन्नीस में प्रकाशित हुआ द लाइफ डिवाइन 1940 में कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में द ह्यूमन साइकिल उन्नीस में द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी उन्नीस में द लेजेंड एंड द सिम्बल उन्नीस में ऑन द वेदा उन्नीस में इनके मृत्यु के उपरांत द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये इनकी पुस्तकों की एक छोटी सी सूची है यह मुमकिन है कि उनके कुछ ज़्यादा प्रमुख पुस्तकें इस सूची में ना हों और निश्चित रूप से और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं उन्होंने की और चूंकि वो लगातार पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करते थे तो उसमें भी इनका लेखन प्रचुर मात्रा में मौजूद रहा और उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन के सामने मौजूद विषयों पर भी घनतापूर्वक विचार किया और ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से सिर्फ आध्यात्मिक चेतना के बारे में ही लिख रहे थे आध्यात्मिक विषय या आध्यात्मिक तरीके से दुनिया को देखना उनका एक आधार था लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य बहुत सारे मसलों पर विचार किया हम उनके विचारों पर अपनी चर्चा की शुरुआत आध्यात्मिक स्वतंत्रता के उनके विचार से करेंगे अरविंद ने स्वतंत्रता की मानव जीवन में महत्ता को स्वीकार किया है उन्होंने भारतीय परंपरा का पालन करते हुए आध्यात्मिक स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण माना है उनके अनुसार आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है जब व्यक्ति अपने को मानसातीत आध्यात्मिक शक्ति का अभिकर्ता मात्र मानकर कार्य करने लगे तभी वह मनुष्य प्रकृति की यांत्रिक आवश्यकता से मुक्ति पा सकता है अरविंद ने राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता की महत्ता को भी स्वीकार किया किंतु उनका मानना था कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बिना यह दोनों प्रकार की स्वतंत्रता मूल्यहीन है रविंद्रनाथ टैगोर तथा अरविंद दोनों का ही मानना था कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है तो उसे सामाजिक स्वतंत्रता स्वतः उपलब्ध होती है और आगे चलकर राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो जाती है अरविंद के अनुसार अपने जीवन के नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है मनुष्य का वास्तविक आत्म उसकी बाह्य व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन तथा अपने जीवन के नियमों का पालन एक ही बात है स्वतंत्रता की इस धारणा में रूसो और भगवत गीता के विचारों का समन्वय देखने को मिलता है अरविंद घोष का मानना था कि वर्तमान समाज में अत्यधिक गिरावट आई है जिसके कारण राजनीतिक तथा सामाजिक अराजकता उत्पन्न हो रखी है इसका निवारण तभी हो सकता है जब व्यक्तियों में श्रेष्ठ मानवीय गुणों को आरोपित किया जाए एक उत्कृष्ट समाज की स्थापना उच्च आध्यात्मिक गुणों वाले व्यक्तियों पर होगा और इसी के आधार पर वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं आ, मुझे लगता है कि आप इस बात को जरूर समझ कर रखें कि जब वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वहाँ पर आ, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन के नियमों का पालन करता है और वो जो जीवन जीवन के नियम होते हैं व्यक्ति के वो परमात्मा के नियमों से अलग नहीं होते हैं तो एक तरीके से व्यक्ति को वो परमात्मा के नियमों के नज़दीक ले जाना चाहते हैं और परमात्मा धर्म के आधार पर, पर परिभाषित हो सकता है या प्रकृति के आधार पर, पर परिभाषित हो सकता है और जब व्यक्ति उन नियमों के अनुसार अनुशासित होकर जीवन जीता है तो वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ता है कुछ हद तक ये विचार आ, हम लोगों को भ्रामक भी लग सकता है अगर दर्शन में हमारी समझ नहीं है तो लेकिन यह विचार बहुत साफ तौर पर अरविंद रखते हैं और आगे चल वो धर्म की रूप में जो ईश्वर की कल्पना करते हैं उसमें भी यह बात साफ तौर पर आती है कि जो प्रकृति के नियम हैं वो परमात्मा के नियमों के अनुरूप हैं और व्यक्ति को उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करना चाहिए यानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की लालसा नहीं रखनी चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की लालसा नहीं रखनी चाहिए और उसे अनुशासित होकर जीवन जीना चाहिए अन्य सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी के विचार के आधार पर वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं अरविंद घोष के राजनीतिक चिंतन को सबसे बड़ी देन आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत है उन्होंने प्रारंभ में तो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया जिसके बारे में हमने चर्चा की जब उनके जीवन के बारे में बात कर रहे थे लेकिन बाद में वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ गए उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नए रूप में पेश किया उन्होंने पश्चिम तथा भारतीय संस्कृति के तत्व को जोड़कर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया अरविंद का राष्ट्रवाद संकुचित न होकर एक विस्तृत धारणा है उनके अनुसार उनका राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सत्ता या प्राकृतिक भूखंड नहीं है यह एक भौगोलिक इकाई मात्र ना होकर इससे भी अधिक है उनके राष्ट्रवाद की धारणा विस्तृत और गहरी है उन्होंने राष्ट्र की एक सनातन को एक सनातन धर्म माना है उन्होंने कहा है कि यदि सनातन धर्म ना होता तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं होता राष्ट्र एक दैवीय पुकार है या भगवान का अवतार है उन्होंने राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है राष्ट्रवाद तो एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है जिसे लेकर आपको रहना है हम सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन हैं अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है यह धर्म दैवी और सात्विक है राष्ट्रीयता को हम दबा नहीं सकते यह तो ईश्वरीय शक्ति की सहायता से आगे बढ़ती है राष्ट्रीयता अमर है यह कोई मानवीय वस्तु नहीं बल्कि प्रत्यक्ष ईश्वर है वे राष्ट्रवाद को राजनीति का अंग ना समझ कर धर्म का अंग मानते थे इसलिए राष्ट्रवाद एक दैवीय आदेश था और उसकी रक्षा के लिए वे दृढ़ संकल्प थे अरविंद का राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है बल्कि विस्तृत है यह सर्वव्यापक और सार्वभौमिक है देश काल की सीमाएं इसे बांध कर नहीं रखती या किसी विशेष जाति कि की श्रेष्ठता से संबंधित न होकर संपूर्ण मानवता के कल्याण पर आधारित है उनका मानना था कि हिंदू धर्म शाश्वत धर्म है और सार्वभौमिक भी है भारत का अस्तित्व ही इस धर्म के लिए है संपूर्ण विश्व की मानवता का कल्याण हिंदू धर्म का ध्येय है इसलिए हमें एक विश्व संघ या विश्व राज्य की बात सोचनी चाहिए उन्होंने आगे कहा कि इसके अंतर्गत सभी राज्यों को स्वतंत्रता आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा प्राप्त होगी और सभी देशों के हितों की समान रूप से रक्षा होगी अगर हम इस पूरे विचार को जो अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया अगर संक्षेप में फिर से एक बार दोहराना चाहें तो सीधे तौर पर अरविंद इस बात से शुरुआत करते हैं कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए उस आध्यात्मिक स्वतंत्रता के मूल मूल को वह इस बात से जोड़ते हैं कि व्यक्ति अपने भीतर की जो एक आ, का जो अनुशासन है उस स्वतंत्रता को अनुभव करें उस अनुशासन से आने वाली स्वतंत्रता को अनुभव करें जो कि ईश्वर के आदेश से मिलता जुलता है और उसी के समरूप है उसी के बराबर है और तो इस तरीके से ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए अनुशासित जीवन जीते हुए व्यक्ति आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है और फिर उसके आगे वह यह है कहते हैं कि यह जो राष्ट्र की जो पूरी संकल्पना है वो ईश्वरीय आदेश के रूप में है देवी आदेश के रूप में है और वो इसकी एक संकुचित व्याख्या नहीं करते हैं बल्कि वह कहते हैं कि यह एक तरीके से उदार अवधारणा है हिंदू धर्म को इसमें वो ले आते हैं उसे शाश्वत सनातन धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रवाद की अपनी अवधारणा को रखते हैं और वो ये कहते हैं कि यह राष्ट्रवाद ऐसा राष्ट्रवाद नहीं है जो किसी का दमन करे बल्कि यह लोगों के जुड़ाव की भावना को रखता है एक अनुशासन की भावना भी इसमें होती है अनुशासन का मतलब कि जीवन में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा उपभोग ना करना बल्कि प्रकृति के नियमों का पालन करना और इस रूप में यह जो राष्ट्रवाद की भावना है वह एक देश तक सीमित नहीं होती है बल्कि यह इसमें दूसरों के साथ एक उदार रूप में संबंध बनाने में भी भरोसा करती है इसीलिए वे एक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को अंतिम नहीं मानते हैं बल्कि वे कहते हैं कि एक आत्मनिर्णय का अधिकार सभी राष्ट्रों को मिले वे स्वतंत्रता को हासिल करें और उससे आगे बढ़ते हुए वे, वे विश्व संघ और विश्व राज्य को बनाएं यानी जब सभी राष्ट्र स्वतंत्र होंगे सभी राष्ट्र राज्य स्वतंत्र होंगे तो एक विश्व संघ की ओर आगे बढ़ सकते हैं इस विचार को जो विश्व संघ का विचार है उसको हम आगे देखेंगे लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि महर्षि अरविंद बहुत ही उदार तरीके से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं उसे ईश्वरीय जो ज्ञान है या ईश्वर का जो आदेश है उससे जोड़ते हैं फिर उसे वो हिंदू धर्म से जोड़ते हैं और इस रूप में वो एक उदार राष्ट्रवाद की परिकल्पना को प्रस्तुत करते हैं जो दमन पर आधारित नहीं है बल्कि समावेशन पर सहिष्णुता पर और बाकी अन्य लोगों की स्वतंत्रता को समान रूप से महत्व देने पर आधारित है लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो हिंदू धर्म से अवश्य आता है यह भी हमें याद रखने की जरूरत है महर्षि अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में भी अपने विचारों को व्यक्त किया अरविंद का मत था कि प्रतिरोध दो प्रकार का होता है आक्रामक और निष्क्रिय आक्रामक का अर्थ है शासन को हानि पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष कार्य करना उन्होंने आक्रामक के रास्त, हिंसक रास्ते को गलत माना और राज्य के खिलाफ हथियारबंद क्रांति की अवधारणा को भी नकारा और इस रूप में महर्षि अरविंद ने अपने उग्र राष्ट्रवादी के रूप में जीवन में किए गए कामों को भी नकारा यह बात पूरी तरह साफ है कि उन्होंने अपने क्रांतिकारी दौर के विचार को बाद में पूरी तरह त्याग दिया था निष्क्रिय प्रतिरोध की व्याख्या करते हुए उन्होंने वंदे मातरम में लिखा था इसमें स्वदेशी का शक्तिशाली हथियार अपनाया जाना चाहिए तथा ने अवज्ञा का सहारा लिया जाना चाहिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की व्याख्या करते हुए लिखा है निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रथम सिद्धांत यह है कि जब तक जनता की इच्छानुसार स्थितियों में परिवर्तन ना हो जाए तब तक ब्रिटिश व्यापार तथा ब्रिटिश शासन को सहायता पहुंचाने वाले प्रत्येक कार्य को करने से इंकार करके वर्तमान परिस्थितियों में शासन को चलाना असंभव बना दिया जाए और इस रूप में वो अपने निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं दूसरे स्तर पर उन्होंने स्थानीय समुदायों द्वारा स्कूल और जनता के जीवन से जुड़े अन्य संस्थाओं के निर्माण पर बल दिया वे इसे एक नए तरह का संघर्ष मानते हैं जिसमें ज्यादा साहस की आवश्यकता होती है साफ तौर पर इसमें विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं के विकास के साथ साथ स्वदेशी के निर्माण पर बल दिया गया इस संदर्भ में उन्होंने चार क्षेत्रों की पहचान की अर्थव्यवस्था शिक्षा न्यायिक व्यवस्था और कार्यपालिका प्रशासन और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पूरी व्यवस्था में जो स्वदेशी का विचार है जो आत्मनिर्भरता का विचार है उसके आधार पर काम किया जाना चाहिए आ, यह बात रोचक है कि उनके विचार गांधीवादी तकनीक के नजदीक लगते हैं क्योंकि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इन्हीं सब पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया और आ, महात्मा गांधी की तरह ही आ, जो अरविंद हैं वो भी आ, हिंसा को या हिंसक तरीके से प्रतिरोध को सही नहीं मानते हैं लेकिन अरविंद ने महात्मा गांधी के तकनीक की यह कहते हुए आलोचना भी की कि इसमें निष्क्रियता पर अत्यधिक जोर दिया गया है यानी कि वह यह मानते हैं कि जो निष्क्रियता का पहलू है जिसको कि महात्मा गांधी अहिंसा का पहलू भी कहते हैं और जिसके कारण ही जब सहयोग आंदोलन में एक हिंसक मोड़ आया चौरी चौरा कांड हुआ तो उन्होंने सहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी तो ये जो एक तत्व था उसे अरविंद मानते थे कि उस पर बहुत ज़्यादा जोर है और इतना ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है और वो एक तरीके से संघर्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं और अहिंसा के सिद्धांत को थोड़ा कम महत्व देते हैं और यह एक प्रमुख अंतर गांधी के विचारों में और अरविंद के विचारों में सामने आती है इसके अलावा अरविंद ने आर्थिक पुनर्निर्माण और बहिष्कार का विचार भी रखा अरविंद स्वदेशी अर्थव्यवस्था के बहुत ही प्रमुख समर्थक थे और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विचार का समर्थन किया और यह एक ऐसा पहलू है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमेशा ही मौजूद रहा यह बंगाल विभाजन के समय भी यह विचार आया बंगाल विभाजन के बाद जब महात्मा गांधी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उन्होंने इसे एक प्रमुख विचार बनाया कि आर्थिक रूप से हम अपने आप को स्वावलंबी बनाएं अपने जीवन को आप स्वावलंबी बनाएं खादी काते आ, लेकिन इसके साथ ही उनका जोर इस बात पर भी था कि अंग्रेज जो हैं वो आर्थिक मुनाफे के लिए ही यहाँ हैं तो उनके आर्थिक मुनाफे के स्रोत को ही बंद कर दिया जाए अरविंद भी इसी तरह के विचार को आगे बढ़ाते हैं वे उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का एक शक्तिशाली हथियार मानते हैं स्वदेशी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के विचार को उनके मुताबिक यह तीन काम करता है पहला यह देशी पूंजी के औपनिवेशिक राज्य में जाने की प्रक्रिया को रोकता है दूसरा विदेश के शक्तिशाली उद्यमों के सामने देशज उद्यमों की सुरक्षा करता है और तीसरा यह भारत के स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करता है निश्चित रूप से वे यह मानते थे कि जो देशज उद्यमी हैं उन्हें सुरक्षा देने की आवश्यकता है और जो देशी पूंजी है उसका विदेश में जाने से रोकने की भी ज़रूरत है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशज उद्यमियों का यह कर्तव्य है कि वे लोगों को सस्ता और बेहतरीन वस्तुएँ उपलब्ध कराएँ उनके भीतर मुनाफाखोरी और एकाधिकार की प्रवृत्ति को उन्होंने स्वदेशी भावना के विपरीत बताया ये सारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर आप इस इन पूरे पहलुओं को देखें जो कि सिर्फ अरविंद के विचारों में ही नहीं आती है गांधी के विचारों में भी यह बात महत्वपूर्ण रूप से सामने आती है और भी कई जो चिंतक थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेशी पर हमें जोर देना चाहिए स्वदेशी की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन अगर मौजूदा समय में जब वैश्वीकरण का दौर है तो स्वदेशी के विचार को थोड़ा पीछे किया गया है और उसके स्थान पर विभिन्न कंपनियों जो बाहर से आने वाले कंपनियाँ हैं और जो देश की कंपनियाँ हैं उनके बीच में खुली प्रतियोगिता कराने पर जोर दिया गया है तो एक खास समय पर जब स्वदेशी का विचार उभरा तो उसने भारत के आर्थिक स्वावलंबन की बात की उसने विदेशियों के मुनाफे को रोकने की बात की लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आगे जाकर आप इस बात पर जरूर विचार करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ और ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते भूमंडलीकरण के दौर में स्वदेशी के स्थान पर विदेशी पूंजी निवेश को विकास का एकमात्र साधन माना जाने लगा और इस पर विचार करने की जरूरत है लेकिन यहाँ आप यह जरूर याद रखें कि महर्षि अरविंद ने इस बात पर बल दिया कि स्वदेशी को अपनाया जाना चाहिए और स्वदेशी को अपनाने के साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो देशज उद्यमी हैं उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो मुनाफा कमाने पर बहुत ज़्यादा जोर ना दें बल्कि लोगों को सस्ते और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देने दें जाति व्यवस्था के बारे में अरविंद के विचारों को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि महर्षि अरविंद राष्ट्रीय जीवन में हिंदू धर्म को प्राथमिकता देने की बात करते हैं लेकिन वे हिंदू दौर में धर्म में मौजूद दमनकारी जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं और इसे वेदांत के विरुद्ध मानते हैं गांधी की तरह ही वे भी मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का निर्माण जन्म के आधार पर नहीं किया गया था यह एक सामाजिक कार्यात्मक श्रेणी थी जिसमें बाद में विकृति आ गई अरविंद ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध किया लेकिन उन्होंने निचली जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या राजनीतिक संस्थाओं में पृथक प्रतिनिधित्व को समाधान के रूप में नहीं देखा वे संदर्भ में धर्म परिवर्तन को भी सही रास्ता नहीं मानते थे गांधी की तरह अरविंद भी मानते थे कि हिंदू धर्म के भीतर ही इस समस्या को हल किया जा सकता है किंतु गांधी की तरह उन्होंने इस संदर्भ में कोई आंदोलन नहीं छेड़ा वे मानते थे कि राष्ट्रवाद की धारा में जाति भेद की, बुरा, बुरा, की बुराई खत्म हो जाएगी और एक ऐसे नए भारत का उदय होगा जो असमानता और दमन से मुक्त हो तो यह बात स्पष्ट है कि महर्षि अरविंद का जो भरोसा था वह इस बात पर था कि जो जाति है की समस्या है वह राष्ट्रवाद की धारा के सामने विलुप्त हो जाएगी क्योंकि राष्ट्रवाद की उनकी धारा में प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ होकर सामूहिक जीवन से जुड़ता है अपनी क्षुद्र पहचानों से ऊपर उठता है हम यह कह सकते हैं और आलोचना आलोचनात्मक विश्लेषण में भी हम इस बिंदु पर वापस आएंगे कि क्या इस तरह का विचार व्यवहारिक था लेकिन वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के संबंध में उनके विचार गांधी से काफ़ी मिलते जुलते थे हालांकि यह सच है कि गांधी चूंकि सक्रिय राजनीति में थे तो उन्होंने इस संदर्भ में अलग अलग तरह के आंदोलन चलाएँ उनका लगातार वाद विवाद भी चलता रहा डॉक्टर अंबेडकर से और डॉक्टर अंबेडकर ने उनके विचारों की सीमाओं को भी दर्शाया लेकिन महर्षि अरविंद चूंकि एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ उन्मुख हैं सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन जो था वो उससे दूर थे तो उन्होंने सिर्फ अपने लेखन के माध्यम से ही इन विषयों पर अपने विचार रखें और उन्होंने इन विचार में पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता कहीं से भी हिंदू धर्म का भाग नहीं है और राष्ट्रवाद की जो धारा उभर कर सामने आएगी जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार आगे बढ़ेगा उससे यह जाति व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी अब हम शिक्षा के बारे में अरविंद के विचारों पर ध्यान देते हैं महर्षि अरविंद यह मानते थे कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बारे में उनके द्वारा नवंबर दिसंबर 1920 और जनवरी 1921 में दो भागों में एक लेख लिखा गया जिसका शीर्षक है प्रिफेस टू नेशनल एजुकेशन वे पश्चिमी देशों की शिक्षा व्यवस्था की अंध नकल के खिलाफ थे उनके अनुसार यूरोपीय शिक्षा पद्धति और तकनीक के आधार पर अवश्य आगे हैं किंतु इसमें मनुष्य के मनोविज्ञान पर ध्यान नहीं दिया गया है अरविंद का यह मानना है कि पश्चिमी पद्धति में प्रकाशित प्रशिक्षित शिक्षक बहुत गहरा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं ऐसे लोग बस थोड़ा भारतीय तत्व तो जोड़ सकते हैं लेकिन अरविंद बिना सोच विचार के अतीत के हर पहलू और विचार को अपनाने के पक्ष में नहीं हैं वे ऐसी अतीत पूजा को झूठी देशभक्ति मानते हैं वे किसी ज्ञान को इसलिए नहीं नकारना चाहते हैं कि वह पश्चिमी है वे पश्चिम से ज्ञान और विज्ञान की उपयोगी बातों को ग्रहण करने की वकालत करते हैं लेकिन वे बिना किसी सोच विचार के अंध अनुकरण को गलत मानते हैं उनके अनुसार शिक्षा आधुनिक जीवन और चेतना के अनुरूप होनी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा से उनका तात्पर्य देश की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने से है राष्ट्रीय शिक्षा को भारत की आत्मा और इसकी शाश्वत चेतना का विकास करना चाहिए वे देश की आध्यात्मिक चेतन चेतना के विकास को केंद्र में रखने वाली शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं हमें यह या बात याद रखने की जरूरत है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर बार बार वाद विवाद होते रहता है और कई बार शिक्षा नीति में बदलाव करके या कई अन्य परिवर्तन करके शिक्षा का जो लक्ष्य है उसको नए सिरे से परिभाषित करने शिक्षा के पद्धति को भी अब परिभाषित करने या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करने की बात सामने आती है लेकिन इस संदर्भ में अगर हम महर्षि अरविंद के विचारों को देखें तो यह बात साफ है कि वे ना तो पश्चिम के अंधानुकरण के पक्ष में हैं और ना ही वे इस बात के पक्ष में हैं कि कोई भी चीज़ जो हिंदुस्तान की भारत की अतीत से जुड़ी हुई है उसको हम बस जो कहते हो अपना लें या सिर्फ उसे इसलिए अपना लें क्योंकि वो भारत के अतीत से जुड़ी हुई है इसके स्थान पर अरविंद इस बात पर जोर देते हैं कि जो भारत की आवश्यकता है उसके हिसाब से शिक्षा का विकास किया जाए और जो पश्चिम से अच्छी चीज़ें हैं ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं उनके बारे में भी विद्यार्थियों को बताया जाए और इसके साथ ही भारत की जो चेतना है या भारत के अतीत की जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाए तो वो एक तरीके के संतुलन और समन्वय के पक्ष में हैं और यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भारतीय मूल्यों और भारतीय चेतना के विकास के नाम पर पूरी तरीके से पश्चिम का निषेध करने की बात आती है और दूसरी तरफ यह बात भी आती है कि हम पश्चिम की नकल में इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि हम यह मान लेते हैं कि अगर कोई एक भाषा जो विदेशी भाषा है जैसे अंग्रेजी अगर उसमें बच्चा पारंगत हो जाता है तो उसके पास वास्तव में ज्ञान आ ही जाता है तो इस तरह की कई समस्याएं वर्तमान समय में भी शिक्षा में मौजूद हैं और अगर हम अरविंद के विचारों पर ध्यान दें तो उसमें एक दिशा मिलती है कि शिक्षा व्यवस्था किस रूप में होनी चाहिए और एक बार फिर से मैं यह कहूँगा कि यह उनका जो विचार है वो गांधी के विचारों के काफ़ी नज़दीक जाता है हालांकि गांधी इससे और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए जब नई तालीम की बात करते हैं तो वो स्कूली शिक्षा में जो हस्तशिल्प है या थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम है इस तरह की बातों को भी शामिल करने पर जोर देते हैं वो मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर देते हैं अरविंद जो व्यापक चीज़ें हैं उन पर उनका ज़्यादा जोर है अगर हम अरविंद के लोकतंत्र संबंधी विचारों को देखें तो हमें इस बात का अंदाजा होगा कि वे लोकतंत्र की धारणा को आर्थिक एवं राजनीतिक व्यक्तिवाद का प्रतिबल मानते हैं व्यक्ति की आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की सुरक्षा लोकतंत्र का उद्देश्य रहा है किंतु लोकतांत्रिक धारणा ने असमानता वर्ग का शासन वर्ग भेद तथा शोषण को जन्म दिया है जनता के शासन के नाम पर कतिपय धनी एवं कुलीन लोगों का ही शासन स्थापित हुआ है प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं समानता केवल नारेबाजी तक ही सीमित रह गई है लोकतांत्रिक संरचना के पार्श्व में एक शक्तिशाली अल्पसंख्यक नेतृत्व पनपा है जो पूरे शासन पर छाया रहता है आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र एक मिथ्या है विधायकों या सांसदों द्वारा जन प्रतिनिधित्व का आदर्श भरना दम्भपूर्ण है जन प्रतिनिधित्व के स्थान पर कुछ व्यवसायिक हित बनकर सामने आ गए हैं बहुसंख्यक दल का शासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा न कर उसे पूर्ति का साधन बनाता रहा है और जो अरविंद की आलोचनाएं हैं वे सभी आलोचनाएं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रूसों की याद दिलाती हैं प्लेटो ने भी लोकतंत्र की कुछ इसी तरीके से आलोचना की थी और गांधी ने भी मूलक लोकतंत्र की आलोचना की ब्रिटेन के संदर्भ में आलोचना की तो ये जो आलोचनाएं हैं लोकतंत्र की या मूलक लोकतंत्र की वह काफ़ी महत्वपूर्ण है यानी कि जो एक लोग वोट देते हैं और उसके माध्यम से पाँच सालों के लिए उनका प्रतिनिधि उनके लिए सारा निर्णय लेता है वह जो पूरी प्रक्रिया है वह बहुत संतोषजनक नहीं है उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं बहुत सारी कमियाँ हैं लोगों की स्वतंत्रता दूसरों के हाथ में चली जाती है और इसे एक आदर्श व्यवस्था नहीं माना जा सकता और इस ओर अरविंद भी संकेत कर रहे हैं वे लोकतंत्र के इन दोषों के निवारण के लिए पूर्ण सामूहिक जीवन को जागृत करना चाहते हैं उन्हें आधुनिक लोकतंत्र की केंद्रीकरण की के प्रवृत्ति दोषयुक्त लगती है उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण की कर की स्थापना कर लोकतंत्र के दोषों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और ये जो विकेंद्रीकरण का विचार है एक बार फिर से मैं इस चीज को रेखांकित करूंगा कि हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन के कई और व्यक्तियों ने इस पर जोर दिया हालांकि कई और दूसरे व्यक्तियों ने उसके बजाय राज्य की भूमिका पर ज्यादा बल दिया लेकिन मिसाल के तौर तो पर नेहरू और अंबेडकर को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं जो राज्य की भूमिका को बढ़ाना चाहते थे लेकिन निश्चित रूप से अरविंद हो या गांधी हो इनका जोर या एम एन रॉय हो उनका जोर भी इस बात पर था कि वास्तविक अर्थों में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और सब लोग इसके लिए अलग अलग मॉडल प्रस्तुत करते हैं गांधी ग्राम स्वराज की मांग करते हैं जो अब की बात करते हैं और जो एम एन रॉय हैं उनका जोर जाता है रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ और अरविंद जो हैं वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तव में विकेंद्रीकरण होना चाहिए यानी कि जो सबसे निचला स्तर है वहाँ पर जो आम लोग हैं वो खुद को मजबूत महसूस करें और वो पूरी तरीके से ऐसा महसूस ना करें कि एक चुनाव हुआ उन्होंने वोट डाला और एक उम्मीदवार जीता और फिर पाँच सालों के लिए उम्मीदवार के हाथों में पूरी शक्ति चली गई तो मौजूदा समय में भी यह विचार काफ़ी प्रासंगिक लगता है क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया है और इसमें वही प्रक्रिया होती है जिसकी आलोचना अरविंद कर रहे हैं हालांकि धीरे धीरे करके इस बात की कोशिश की गई है कि इस प्रक्रिया के साथ साथ जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है उसको भी आगे बढ़ाया जाए और इस बात की समझ भी लोगों में बढ़ी है कि अगर हम विकेंद्रीकरण करते हैं स्थानीय स्तर पर लोगों को शक्तियाँ प्रदान करते हैं तो लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में जीवंत लोकतंत्र के रूप में सामने आता है तो ये लोकतंत्र से संबंधी जो उनके विचार हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं समाजवाद के बारे में भी अरविंद ने अपने विचार प्रस्तुत किए श्री अरविंद ने शोषित श्रमिकों को नवजीवन प्रदान करने में समाजवाद के महत्व को सराहा है लेकिन वे समाजवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे और अभी हमने इस बात की चर्चा की कि वो लोकतंत्र की इसी आधार पर आलोचना करते हैं वे समाजवाद के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष के समर्थक थे वे सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को पृथक पृथक करने के पक्षपाती हैं और इस संदर्भ में फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो एक केंद्रीकरण है उससे बचने की जरूरत है हालांकि समाजवाद की जो दूसरी तरह की समस्याएं हैं वो सामने आने लगी और वो समस्याएं केंद्रीकरण से ही जुड़ी हुई थी मिसाल के तौर पर अगर हम कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करें वहाँ पर स्टालिन ने जिस तरीके से सोवियत यूनियन में प्रयोग किए तो उसमें यह लगा कि जो शक्ति का के, का केंद्रीकरण है वह एक स्थान पर हो गया है तो इस आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना की और जो समाजवाद का विचार है वो अलग अलग धाराओं के रूप में भी सामने आया है भारत में जिसमें एक समाजवाद की धारा है जो राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और कुछ सांस्कृतिक मूल्यों पर भी जोर देता है तो यह जो धारा है उसके संदर्भ में अरविंद ज़्यादा विचार नहीं करते हैं पर मोटे तौर पर जो समाजवाद की जो धारा है चाहे वो मार्क्सवाद से निकली हो या फिर ऐसी धारा जिसमें कि राज्य के माध्यम से परिवर्तन पर जोर दिया जाता है उसकी वो आलोचना करते हैं इस आधार पर कि जो शक्ति का केंद्रीकरण होता है वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता को काफी सीमित कर देता है अरविंद ने राष्ट्रीय आत्म की अवधारणा पर भी बल दिया साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी होने के कारण श्री अरविंद ने प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रचारित राष्ट्रीय आत्मनिर्णय यानी नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत को पूर्ण समर्थन प्राप्त प्रदान किया उनके अनुसार राष्ट्रीय आत्मनिर्णय ने या नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का नियम स्वतंत्रता एवं कानून का नया कीर्तिमान स्थापित करता है यह एक उच्च आदर्श का प्रतीक है वे मानते हैं कि इस विचार से प्रेरणा प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय एकता की स्थापना बलवती हो जाती है और इस आधार पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय बात के रूप में इसलिए भी सामने आता है जहाँ पर वो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कहते हैं और इसमें कई तरह की पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं लेकिन मोटे तौर पर अगर हम राष्ट्र के उनके विचार को देखें जो कि एक आध्यात्मिक चेतना के रूप में प्रस्तुत करते हैं उसमें दमन की बात नहीं है तो इस आधार पर अगर कोई राष्ट्रीयता है जो खुद को अलग राष्ट्र मानती है तो अरविंद के लेखन में उसको राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात सामने आती है यानी कि वहाँ के लोगों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे एक अलग राष्ट्र बनना चाहते हैं या मौजूदा व्यवस्था में संतुष्ट हैं और इस तरीके की व्यवस्था जो है वो प्र, या इस तरह की मांग जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उभर कर सामने आई थी अरविंद का यह विचार सही भी है लेकिन आ, कुछ मामलों में यह आ, कई समस्याओं को भी जन्म दे सकता है तो विभिन्न देशों की में जो अलग अलग तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं और जो कई बार पृथकतावादी आंदोलन के रूप में होते हैं उसमें यह मांग सामने आ सकती है और आप इस बात पर भी ध्यान दें कि इस तरह की मांग की कोई सीमा नहीं हो सकती है मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान का उदाहरण लें तो पाकिस्तान बना लेकिन वो एक आखिरी चीज़ नहीं थी पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश बना अभी भी पाकिस्तान के भीतर कई अन्य तरह की राष्ट्रताएं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग करती हैं तो यह सैद्धांतिक रूप से कहने में जितना आसान है शायद व्यवहारिक रूप में इसे लागू करना उतना ही कठिन है लेकिन एक आदर्श के रूप में अगर हम देखें तो जिस रूप में राष्ट्र की परिकल्पना अरविंद करते हैं उसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन जाता है क्योंकि राष्ट्र की इनकी परिकल्पना दमन पर आधारित नहीं है यह एक थोपे हुए विचार के रूप में नहीं है बल्कि यह सर्वसमावेशी है और सबको स्वतंत्रता प्रदान करती है तो इस रूप में जो एक नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का विचार है उनके लेखन में उनके विचारों में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सामने आता है हम राज्य संबंधी अरविंद के विचारों पर नजर डालते हैं अरविंद के अनुसार जीवन की आवश्यकताएं एवं आत्मिक नैतिक खोज मनुष्य को समूहों में रहने के लिए प्रेरित करती हैं सामूहिक जीवन की प्रथम अभिव्यक्तियां परिवार कुल एवं ग्राम है कालांतर में छोटे एवं बड़े राज्यों व साम्राज्यों का भी उदय होता है जिनके द्वारा मनुष्य आत्मनिर्भर एवं परिपूर्ण जीवन की ओर उन्मुख होता है राज्य जीवन विकास और आत्मकल्याण का साधन है परंतु व्यक्ति व राज्य के परस्पर विरोधी दावे का संघर्ष भी सामने आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता की स्वाभाविक इच्छा होती है जबकि राज्य विधियों से नियंत्रित व्यवस्था होती है और यदि व्यक्ति व राज्य धर्म के मर्यादा में रहें तो उनके हितों व कार्यों में कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो सकता है अरविंद के अनुसार राज्य आवश्यक है पर वह साध्य नहीं है मानव के कतिपय उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति में वह सहायक हो सकता है अंततः व्यक्ति को अपने विभिन्न लक्ष्यों को अपनी आत्मिक मानसिक शक्तियों को विकसित करके ही प्राप्त करना होता है अरविंद राज्य के बढ़ते हस्तक्षेप के भी विरोधी थे ये प्राचीन भारतीय राज्य की अवधारणा के, के प्रशंसक थे जिसमें राज्य को धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है सभी संस्थाएं परिवार जाति आर्थिक संघ ग्राम नगर आदि अपने धर्म में बंधे थे और धर्म की इस मर्यादा को स्वतः स्फूर्त तरीके से निभाते थे इसमें राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलता था तो यह बात साफ है कि अरविंद मानते हैं कि जो मनुष्यों की सभ्यता है उसके विकास के एक चरण के रूप में राज्य उभर सामने आया लेकिन यह जो राज्य है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोगों को इस तरीके के अवसर प्रदान करने में जिसमें कि वो अपना विकास कर सकें लेकिन वो जो अरविंद हैं वो इस बात को बिल्कुल ही सही नहीं मानते हैं कि राज्य एक अत्यंत मजबूत स्थिति हासिल कर लें और वो लोगों के जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करें और उनका यह कहना है कि एक ऐसा राज्य जो कि प्राचीन भारत में मौजूद था प्रशंसनीय है या ऐसे राज्य की स्थापना की कोशिश की जानी चाहिए जहाँ पर जो राज्य है उसे अपने दायित्वों का पता हो वह लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दखलंदाजी ना करे उनका यह कहना है कि प्राचीन भारत में जो राज्य था वह अन्य सभी संस्थाओं के जो आचरण के नियम थे जो उनकी सीमाएं थीं उनका सम्मान करता था परिवार जाति आर्थिक संघ ग्राम नगर आदि सभी अपने अपने दायरों में थे और इन दायरों में रहते हुए वो काम करते थे लेकिन मौजूदा समय में जो राज्य है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है और इस तरह का राज्य जो होता है वह समाज के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सही नहीं होता है और वे यह कहते हैं कि राज्य का दायित्व तो स्वधर्म पालन की बाह्य परिस्थितियों की व्यवस्था करना मात्र था अतीत में जब कोई स्वधर्म से विरत होता था तो उसे रोकना या दंडित करना राज्य का दायित्व था इस प्रकार एक श्रेष्ठ राज्य सीमित व मर्यादित राज्य है इसमें मनुष्य स्वधर्म पालन के द्वारा आत्मोन्नयन की ओर प्रवृत्त होता है तो निश्चित रूप से इस तरह की जो राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं अरविंद उसमें एक ऐसे राष्ट्र की राज्य की गुंजाइश नहीं है जो राष्ट्र की एक ऐसी संकल्पना को अपना ले जिसके माध्यम से वह जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनका बहिष्करण करें मिसाल के तौर पर जैसे नाजी जर्मनी में हुआ जहाँ पर यहूदियों को दंडित किया गया इसके साथ ही वो एक ऐसे राज्य के पक्ष में भी नहीं है जो कि व्यक्ति के हर प्रकार की निजता का या उसकी जीवन के अन्य तमाम पहलुओं का एक तरह से सेंसरशिप करें या उस पर नियंत्रण हासिल करें हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अरविंद का जो राज्य का विचार है वह एक ऐसे राज्य की परिकल्पना पर आधारित है जहां पर राज्य अलग अलग व्यक्तियों को उनके जीवन में आगे बढ़ने में उनका आत्मोन्नयन करने में मदद करता है और यह जो राज्य की भूमिका है कुछ हद तक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामने आ सकती है मौजूदा समय में और कानून व्यवस्था को सही तरीके से पालन करने वाले राज्य के रूप में आ सकती है लेकिन वे एक ऐसे राज्य की आ, के खिलाफ खड़े हैं अरविंद जहां पर राज्य व्यक्ति के जीवन के तमाम पहलुओ में दखल करता है मैं जिस बात पर जोर देना चाह रहा हूं वह यह कि राज्य की दखल दो रूपों में सामने आ सकती है और उसके और कई छोटे छोटे रूप हो सकते हैं एक तो राज्य सीधे तौर पर लोगों में से एक समूह को चुनकर उनको दंडित करने का अभियान शुरू कर दे और दूसरा और जिसके बारे में नाजी जर्मनी का मैंने उदाहरण दिया और दूसरा जो पहलू है वह यह है कि राज्य बहुत ही सहज तरीके से लोगों के जीवन और उनकी स्वतंत्रताओं में दखलंदाजी करें और यह दखलंदाजी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक साबित हो सकती है व्यक्ति के निजता के अधिकार का इसमें उल्लंघन हो सकता है तो इस स्थिति में इस प्रकार के राज्य को भी अरविंद बहुत आकर्षक नहीं मानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य को की एक सीमित भूमिका होनी चाहिए और राज्य को खुद को उसी भूमिका तक सीमित रखना चाहिए हमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अरविंद के बाद के दौर में कई जटिल परिस्थितियां उभर कर सामने आई और उस रूप में अरविंद के विचारों को पूरी तरीके से हम आज की जटिलता को समझने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई प्रकार के तकनीक आ चुके हैं कई दूसरे प्रकार की बातें आ चुकी हैं लेकिन जो मुख्य विचार है वह राजनीतिक रूप से बहुत ही आकर्षक है और वह विचार इस बात से संबंधित है कि राज्य लोगों को के उन्नयन में मदद करें लेकिन उनकी स्वतंत्रताओं को बाधित करने का काम ना करें और राज्य जीवन के जो दूसरे पहलू हैं सामाजिक जीवन के जो दूसरे आयाम हैं उनका सम्मान करें और इसके अलावा अरविंद ने विश्व संगठन की स्थापना पर भी बल दिया राजनीतिक सिद्धांत में कॉस्मोपॉलिटनिज्म का जब से एक विचार के रूप में उभार हुआ है उसमें आ, जब आप उस विषय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आमतौर पर पाश्चात्य चिंतकों की उसमें बातचीत की जाती है लेकिन अगर हम भारतीय चिंतकों की बात करें तो उनके विचारों में भी जो विश्व संगठन की स्थापना का विचार है वह पूरी तरह से उभर कर सामने आता है और यहाँ पर राष्ट्र से परे जाने की बात भी आती है राज्यों की पारस्परिक कलह एवं नियंत्रण प्राप्त करने की नीति के कारण युद्ध एवं साम्राज्यवाद को निर्मूल नहीं किया जा सकता है यानी कि अलग अलग राज्य यह चाहते हैं कि उनका ज़्यादा वर्चस्व रहे और इसलिए इस तरह की स्थिति से बचने के लिए अरविंद यह कहते हैं कि एक विश्व संगठन की स्थापना आवश्यक है वे दो स्तरों पर विश्व संगठन की स्थापना को मुमकिन मानते हैं पहले स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वयं संगठित होने की आवश्यकता है इसके पश्चात संगठित राष्ट्रों को पारस्परिक भेदभाव व स्वार्थ मिटाकर अंतर्राष्ट्रीय एकता का आदर्श स्थापित करना है इन दोनों स्तरों को पार करके ही एक सच्चा सार्वभौम धर्म स्थापित हो सकता है जिससे जो मानवीय एकता का आदर्श है उसे स्थापित किया जा सकता है और वे यह मानते हैं कि जो राष्ट्र हैं वो रहें और वो मानवीय एकता की एक माध्यमिक इकाई हैं और राष्ट्रवाद से ही विश्व एकता की ओर व्यक्ति या समाज अग्रसित अग्रसरित हो सकता है यानी कि वो राष्ट्र राज्य को खत्म करने की बात नहीं करते हैं वो एक ऐसे विश्व राज्य की परिकल्पना नहीं करते हैं जहाँ पर राष्ट्र जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और उसकी कोई प्रासंगिकता ना बचे बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो एक माध्यमिक इकाई के रूप में कायम रहे और जो राष्ट्र हैं वो फिर विश्व संघ की तरफ आगे बढ़ें केवल राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक संगठनों की स्थापना मात्र से विश्व एकता अनुभूत नहीं होती है राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मात्र से मानवीय धर्म विकसित नहीं होगा और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वह यह चाहते हैं कि जो राष्ट्र हैं अलग अलग जो देश हैं वो वास्तविक अर्थों में एक दूसरे के साथ जुड़ाव सामंजस्य समन्वय और प्रेम की भावना का विकास करें अरविंद विश्व राज्य या वर्ल्ड स्टेट के प्रतिपादक थे विभिन्न धर्मों संस्कृतियों और भाषाओं पर आधारित राष्ट्र यदि अपने अहम को नियंत्रित कर लें अपनी शक्ति व क्षमताओं का सृजनात्मक प्रयोग प्रारंभ कर दें और भौतिकवादी व वा अर्थवादी जीवन दृष्टि का परित्याग कर दें तो उनके बीच सामंजस्य व शांति संभव है और इस स्थिति में विश्व राज्य का उदय हो सकता है जो महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है वह यह कि अरविंद जिस रूप में विश्व राज्य को देखते हैं वह विश्व राज्य मौजूदा राष्ट्र राज्य जो हैं उनकी समाप्ति पर आधारित नहीं है यानी कि उसमें इस बात पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि ये सारी सीमाएं विलुप्त हो जाएं, बल्कि वे यह चाहते हैं कि जो राष्ट्र हैं वो अपने अहम को नियंत्रण करें अपनी शक्ति क्षमताओं का सृजनात्मक प्रयोग करें और भौतिकवादी और अर्थवादी जीवन दृष्टि का परित्याग कर दें यानी कि वो एक ऐसी जीवन दृष्टि को अपनाएं जिसमें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की चाह है और दूसरे देशों के संसाधनों को हड़पने की चाह है दूसरे देशों की सीमाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की चाह है वह इसका परित्याग कर दें तो उन सबके बीच में सामंजस्य संभव है और यह बात तो बिल्कुल साफ भी दिखेगी कि अगर चीन जो है वह एक ऐसे राष्ट्र राज्य के रूप में खुद को तब्दील कर ले जो कि अपने पड़ोसियों के साथ स्वार्थ का और ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व कायम करने का संबंध नहीं बनाना चाहता है तो निश्चित रूप से भारत के साथ उसकी मृत्या हो सकती है और भारत के बाद में भी यह बात कही जा सकती है अमेरिका के बारे में भी यह बात कही जा सकती है अलग अलग देशों की बारे में यह बात कही जा सकती है कि इससे एक विश्व राज्य का उदय हो सकता है तो इसमें यह एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आता है अरविंद के विचारों के अगर हम मूल्यांकन पर पहुंचे तो कई सारी बातें हैं जिस पे हमें जोर देने की आवश्यकता है पहली बात तो यह है कि वो जिस तरीके से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार को प्रस्तुत करते हैं वह आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार एक तरह से ऐसा विचार है जो उदार है जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर जोर देता है जो इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति अपनी आत्मिक चेतना को पहचाने या आत्मिक चेतना ईश्वरीय चेतना के अनुरूप है और इस रूप में पहचानते हुए जब वो इस बात को ईश्वरीय अनुशासन को मानेगा तो वह पूरे समूह से जुड़ेगा और उसके भीतर एक दैवी राष्ट्र की प्रेरणा सामने आएगी जिसमें वह महसूस करेगा समाज के बाकी लोग भी उसके अपने हैं उनके प्रति उनका वह दायित्व है वह अपने लिए ज़्यादा ज़्यादा से उपभोग की वस्तुओं को एकत्रित करने पर ध्यान नहीं दे सकता है बल्कि वह इस इस राष्ट्र के लिए सामूहिकता के लिए एक अनुशासन का नियम अपनाएगा इस रूप में यह पूरा विचार काफी आकर्षक है लेकिन जब अरविंद इसे धर्म से जोड़ते हैं और वो खुले रूप में हिंदू धर्म को ही एक शाश्वत और वैश्विक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो सारी उदारता के बावजूद यह खतरा इसमें अवश्य है कि जो बाकी समूह हैं जो बाकी अल्पसंख्यक समूह हैं वह इसके साथ जुड़ाव महसूस ना कर पाए क्योंकि वह और ऐसा होना बहुत ही गलत भी नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम है अगर कोई सिख है अगर कोई ईसाई है तो वह यह माने कि उसे जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं हिंदू धर्म की जो शब्दावली है हिंदू धर्म के जो अलग अलग तरह के पहचान और कर्मकांड हैं कर्मकांड को अगर हम एक तरफ हटा भी दें तो जो पहचान है और जिस तरीके से वहाँ पर बातें आ रही हैं वे उससे असहज हैं यह कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो एक तरीके से अरविंद के विचारों में भी ऐसा एक स्वरूप नज़र आता है जिसमें कि वो बहुत ही उदार तरीके से अपने राष्ट्र के विचार की व्याख्या करने के बावजूद उसे हिंदू मूल्यों से युक्त मानते हैं हिंदू मूल्यों को वो सर्वोच्च मानते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके कारण से जो गैर हिंदू समूह हैं वो काफ़ी हद तक असहज महसूस कर सकते हैं और इस बात की भी संभावना है कि वो इस तरह की राष्ट के राष्ट्र की परिकल्पना से खुद का बहिष्करण होता हुआ पाए दूसरे स्तर पर हम यह देखेंगे कि जो उनके कई तरह के विचार हैं उसमें अलग अलग तरह की सीमाएं हैं मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जाति के बारे में जो उन्होंने विचार रखा वह विचार जो है उसमें वो एक तरीके से यह कहते हैं कि जब राष्ट्रवाद की जो धारा है वो अपने वास्तविक रूप में रहेगी तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी और अछुआछूत भी खत्म हो जाएगा और यह जो पूरा विचार है वह एक तरह से पूरी समस्या का अति सरलीकरण करना है अति सरलीकरण का अर्थ यहाँ पर यह है कि आध्यात्मिक स्थिति में समस्या को ले जाते हुए यह कहना एक बात है कि राष्ट्रवाद की धारा के मजबूत होने से जाति की समस्या खत्म हो जाएगी लेकिन उसमें जो रोज़ रोज का बहिष्करण रोज रोज की जो यातना जिसका सामना वंचित जातियों के लोग करते हैं उसको गहरे स्तर पर समझने का अभाव दिखता है क्योंकि यह उनके जो संघर्ष हैं उसको उसको एक तरीके से थोड़ा हल्का बना देता है या उसकी जो आ, समस्या की जो गंभीरता है उसको भी हल्का बना देता है तो ये जो उनका विचार है वो काफी हद तक एक सीमित विचार के रूप में सामने आता है दूसरे स्तर पर हम यह भी देख सकते हैं कि जो लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की है वह काफी हद तक सही आलोचना है लेकिन उस आलोचना की जो सीमा है वह यह है कि आ, उसके अलावा एक बेहतरीन रास्ता यानी प्रतिनिधि खारिज कर सकते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अतिरिक्त हमारे पास कोई एक रास्ता है आखिरी स्तर पर हम यह भी कह सकते हैं कि जिस रूप में वो विश्व राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं वह भी एक यूटोपियाई विचार के रूप में ही सामने आता है यानी वो एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां पर सारे राष्ट्र अपने अहम को त्याग दें और वो पारस्परिक साचर्य के साथ सामंजस्य स्थापित करें और विश्व राज्य के रूप में रहें तो यह भी एक यूटोपियाई ख्याल है महर्षि अरविंद ने स्त्रियों की शिक्षा पर काफी जोर दिया और उन्होंने स्त्रियों को अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देने की वकालत की हालांकि उनका जोर काफी हद तक यहाँ भी भारतीय मूल्य पर था लेकिन वो इस बात के पक्षधर नहीं थे कि स्त्रियों को परिवारों तक सीमित रखा जाए उन्हें शिक्षा ना दी जाए तो इस रूप में वो एक अग्रणी चिंतक के रूप में सामने आते हैं आ, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस रूप में एक नारीवादी स्त्रियों की आज़ादी को परिभाषित करती हैं उस रूप में अरविंद उस पर जोर नहीं दे पाए लेकिन फिर भी अगर हम एक राजनीतिक दार्शनिक और चिंतक के रूप में अरविंद के विचारों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वे राष्ट्रवाद को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं निश्चित रूप से इस आधार में एक जो सांस्कृतिक रूप है जो धर्म और ईश्वर का जो वो सहारा लेते हैं उसकी कुछ सीमाएं हो सकती हैं लेकिन उसके आधार पर उन्होंने लोगों के भीतर यह भावना भरने की कोशिश की कि वे राष्ट्रवाद को एक ऐसे पवित्र विचार के रूप में देखें जिसका लक्ष्य किसी भी समूह का दमन करना नहीं है जिसका लक्ष्य अपने देश के अलग अलग समूहों को साथ लाना है जिसका लक्ष्य देश के बाहर के जो दूसरे राष्ट्र के लोग हैं उनके साथ भी सामंजस्य का संबंध कायम रखना है और विश्व राज्य के विचार की तरफ आगे जाना है इसके अलावा उन्होंने अन्य तमाम विषयों पर अपने विचार रखे तो निश्चित रूप से वो एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनके विचार हमारे राष्ट्रवाद की धारणा को एक नए तरीके से देखने में हमें मदद कर सकते हैं वे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आलोचना प्रस्तुत करते हैं और वो यह भी बताते हैं कि किस तरीके से एक आर्थिक बेहतरीन व्यवस्था यानी कि एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था बनाई जा सकती है तो मैं जो श्री अरविंद के विचारों पर हमारी चर्चा है उसको मैं यहीं विराम देता हूँ मुझे ये उम्मीद है कि मैं अरविंद के विचारों के कुछ प्रमुख पहलुओं की संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रख पाया हूँ निश्चित रूप से एक घंटे के व्याख्यान में इतने बड़े दार्शनिक के बारे में सिर्फ एक परिचयात्मक वक्तव्य ही दिया जा सकता है और मेरी कोशिश भी यही रही कि मैं आपके सामने अरविंद के जीवन के प्रमुख घटनाओं और उनके विचार के कुछ सूत्रों को प्रस्तुत करता पाऊँ निश्चित रूप से इनके विचार के बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनके बारे में और ज्यादा गंभीरता से और विस्तार से बात करने की आवश्यकता है मुझे ये उम्मीद है कि यह पूरा लेक्चर आपको अरविंद के बारे में एक परिचयात्मक जानकारी जरूर दे पाया होगा और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप महर्षि अरविंद के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे इनके विचारों पर चिंतन मनन करेंगे आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के चिंतक के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे नमस्कार